हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज मैं आपको टॉप 4 एडिडास फुटबॉल शूज़ के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप एडिडास के फ़ैन हैं, अगर आप एडिडास के ब्रांड के शू को चाहते हैं पहनना, तो ये फुटबॉल शूज़ आपके लिए है। तो रैंक 4 पे जो फुटबॉल बूट है वो है एडिडास नेमेसिस। जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, एडिडास नेमेसिस जो है सबसे ज़्यादा लियोनेल मेस्सी के द्वारा जाता है पहना, इसलिए ये बहुत फेमस भी है। और साथ ही साथ इसे इस्को फर्मिनो, जेसे लिंगार्ड जैसे बड़े बड़े प्रोफेशनल प्लेयर्स भी यूज़ करते हैं अपने मैचेस में। बात करें इसके अपर मटेरियल की, तो इसका जो अपर मटेरियल है इंस्पायर्ड है मेडिकल स्पोर्ट्स टेपिंग से, यानी कि इसका जो आपको लॉकडाउन मिलने वाला है फुट में, बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। यह आपको क्लोज टू बेयर फुट सेंसेशन देगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ थिन प्रोफाइल ऑफ टेंशन टेप मटेरियल। ठीक है, यहाँ पर टेंशन टेप मटेरियल का यूज़ किया गया है, इसीलिए यहाँ पर आपको जो बेयर फुट सेंसेशन मिलेगा, साथ ही साथ उसका लॉकडाउन जो है यानी कि जो फिटिंग है बहुत अच्छा होने वाला है। उसके बाद बात करें इसके सोल सिस्टम की, यानी कि इसके सोल प्लेट की, तो टॉर्जन सोल सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पे, मोर एप्लीकेबल टू हार्डर सरफेस और ग्राउंड। यानी कि ये जो फुटबॉल शू है, जो हार्ड ग्राउंड्स होते हैं, बहुत लोगों का कंप्लेन होता है कि उनका जो प्लेइंग एरिया है वो हार्ड ग्राउंड है, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़े घास कम है। तो अगर आपको ऐसा शू चाहिए जो हार्ड ग्राउंड में भी अच्छे से चले, तो वो एडिडास नेमेसिस है। ये फुटबॉल शू हार्ड ग्राउंड में भी आसानी से चल जाएगा और यहाँ पे काफ़ी दिन तक इसे आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो फुटबॉल शू है, बात करें कौन कौन पहन सकता है, तो ये फुटबॉल शू ड्रिबलिंग के लिए और शूटिंग के लिए, ड्रिबलिंग और शूटिंग के पर्पज़ के लिए बेस्ट है। तो अगर आप एक ड्रिबलर हैं और आपको शूटिंग करना भी पसंद है, तो आपके सही रहेगा। बात करें प्राइसिंग की, तो ये फुटबॉल शू आपको 3600 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। साइज़ के हिसाब से थोड़ा सा जो प्राइस है वो अप डाउन है। आपको इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जितने भी फुटबॉल शूज़ मैं आपको आगे बताऊंगा उनके सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके वहाँ एक बार चेक कर सकते हैं। ओके, नाउ रैंक 3 पे जो फुटबॉल शू है वो है एडिडास प्रीडेटर। जिसे नहीं पता, इसका सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसे पहनते हैं पॉल पोगबा सबसे अधिक। एडिडास प्रीडेटर सबसे ज़्यादा तो पहनता है वो है पॉल पोगबा, उसके बाद डेविड आल्बा। डेविड अल्बा भी बहुत बड़े फ़ैन हैं एडिडास प्रीडेटर के। बात करते हैं इसके सेंसेशन की, तो ये आपको ग्रिपिंग सेंसेशन देने वाला है विद बॉल, ठीक है, यानी कि आपको ये ड्रिबलिंग में और बॉल कंट्रोल में बहुत अच्छा हेल्प करने वाला है। बात करते हैं ये फुटबॉल शू किस लिए इतना फेमस है, क्यों इसे पॉल पोगबा इतना पसंद करते हैं, इसमें क्या ऐसी खासियत है, तो इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो है इसका फ्री किक। यह आपको परफेक्ट फ्री किक देने वाला है करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ग्रिपिंग सेंसेशन मिलेगा और लॉन्ग पासेस के लिए ये फुटबॉल शू परफेक्ट है, इसीलिए पॉल पोगबा इसे अपने मैचेस में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। यह आपको बहुत ही अच्छा स्पिन देगा बॉल में। इसका जो टाइटिंग की बात करें, ठीक है, अगर लॉकडाउन की बात करें तो इसका लॉकडाउन भी अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा लॉकडाउन आपको देने वाला है। और ये जो फुटबॉल शू है खासकर नैरो फुटेड प्लेयर्स के लिए है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, नैरो फुटेड प्लेयर्स के लिए। अगर आपका फुट नैरो है, ठीक है, अगर आप वाइड फुट हैं तो आप इसे ना पहने, अगर आपको पहनना है या फिर ख़रीदना है तो आप एक साइज़ अधिक खरीद सकते हैं। अगर आप 6 UK पहनते हैं तो 7 UK इसे आप बाई करें, अगर आप वाइड फुट है तो। लेकिन अगर आप नैरो फुटेड प्लेयर हैं तो आपके लिए ये फुटबॉल शू बेस्ट रहेगा। और ये फुटबॉल शू जो है हार्ड ग्राउंड के लिए नहीं है, तो इस पर गौर करें, ठीक है, अगर आपका जो प्लेइंग एरिया है हार्ड ग्राउंड है तो आप इसे यूज़ ना करें। बात करें प्राइसिंग की, तो ये फुटबॉल शू आपको 4000 के आसपास मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके एक बार चेक कर सकते हैं। अब रैंक 2 पे जो फुटबॉल शू है वो है एडिडास मेंस कोपा। इस फुटबॉल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये जो फुटबॉल शू है वो बना है लेदर से। सेम नाइकी टेम्पो लेजेंड, इसके पहले मैंने नाइकी के ऊपर नाइकी शूज़ के रिव्यूज़ बनाए थे, तो उसमें मैंने बताया था टेम्पो लेजेंड, वो भी जो फुटबॉल शू है लेदर का बना हुआ है। तो ये जो फुटबॉल शू है एडिडास कोपा, ये भी लेदर का बना हुआ है। तो एडिडास कोपा और टेम्पो लेजेंड में कंपटीशन चलता रहता है। तो बात करें कौन सा प्लेयर एडिडास मेंस कोपा को पहनना सबसे अधिक पसंद करता है, तो वो है टोनी क्रूज। टोनी क्रूज को एडिडास मेंस कोपा बहुत पसंद है, वो इसे 90% अपने गेम्स में प्रैक्टिसेस में यूज़ करते हैं एडिडास मेंस कोपा को। और वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें आपको पैडेड सेंसेशन मिलता है, ठीक है, टोनी क्रूज को पैडेड सेंसेशन बहुत पसंद है। अभी तक एडिडास नेमेसिस और एडिडास प्रीडेटर आपको बेयर फुट सेंसेशन दे रहे थे, यानी कि आपको बेयर फुट, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि आप खाली पैर फुटबॉल खेल रहे हैं,
लेकिन आपको एडिडास मेंस कोपा में पैडेड सेंसेशन मिलेगा, यानी कि डबल कुशन मिलने वाला है, तो आपको लगेगा कि हाँ आपने जूता पहना हुआ है, आपने एक शू पहना हुआ है, और इसी रीज़न से आपको यहाँ पे कंफर्टेबल फिट मिलने वाला है। और साथ ही साथ क्योंकि ये जो सेंसेशन है आपको पैडेड दे रहा है, तो आपको ये इंजरी से भी बचाएगा, ठीक है। तो अगर आपको एंकल इंजरी, बोन इंजरी होता है, अगर आपको डर लगता है, डर रहता है, ठीक है, इंजरी होने का, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। और ये जो फुटबॉल शू है ये पासिंग, स्ट्राइकिंग और रिसीविंग के लिए भी बहुत परफेक्ट रहेगा, ठीक है, खासकर रिसीविंग के लिए, क्योंकि इसका जो सेंसेशन है आपको पैडेड मिल रहा है, कुशन मिल रहा है, तो बॉल जो है आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। और एक और बात, जो ये फुटबॉल शू है, ये फुटबॉल शू किसी भी ग्राउंड में आसानी से चल जाएगा, ठीक है, लेकिन वेट ग्राउंड को छोड़ के। वेट ग्राउंड में इसका जो ड्यूरेबिलिटी है थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि ये जो बना हुआ है वो बना है लेदर से, और लेदर में अगर बार बार पानी लगता है, अगर वेट ग्राउंड में इसे आप यूज़ करते हैं, तो उसके ख़राब होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। लेकिन ये आर्टिफिशियल ग्राउंड में और नेचुरल ग्राउंड में और हार्ड ग्राउंड में आसानी से चल जाएगा। तो अगर आप इसे चाहते हैं बाय करना, तो आप इसे हार्ड ग्राउंड में, आर्टिफिशियल ग्राउंड में और नेचुरल ग्राउंड में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की, तो ये फुटबॉल शू भी आपको 4000 के आसपास पड़ जाएगा। साइजिंग के हिसाब से थोड़ा रेट अप डाउन है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लें। तो अब बात करते हैं रैंक वन की। रैंक वन में जो फुटबॉल शू है वो है एडिडास मेंस एक्स घोस्टेड। ये जो फुटबॉल शू है अभी इसी साल आया हुआ है, ठीक है, इसी साल लॉन्च हुआ है, लेटेस्ट फुटबॉल शू है। तो इस फुटबॉल शू की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे बहुत सारे फुटबॉल इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो इसे पहन रहे हैं, जैसे कि सॉन, जेमी वार्डी, गैब्रियल जेसुस, एनगोलो कांटे, मोहम्मद साला एक्सेट्रा। ये सब के सब जितने भी प्लेयर्स हैं एडिडास मेंस एक्स घोस्टेड को यूज़ कर रहे हैं अपने मैचेस में। ये आपको बेयर फुट सेंसेशन देने वाला है, ठीक है। इसका जो अपर मटेरियल है बहुत ही थिन मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है, यानी कि ये बहुत ही हल्का शू है, ठीक है। अब तक का जितने भी मैंने फुटबॉल शूज़ को बताया एडिडास का, सबसे हल्का जो फुटबॉल शू है ये एडिडास मेंस एक्स घोस्टेड होने वाला है आपके लिए, ठीक है। और ये जो फुटबॉल शू है नैरो फुटेड प्लेयर्स के लिए है, ठीक है। तो अगर आप नैरो फुटेड प्लेयर हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन अगर आप वाइड फुटेड हैं तब भी आपको इसे पहनना है, तो आप इसे एक साइज अप लेके पहन सकते हैं। ये जो फुटबॉल शू का जो सोल मटेरियल है, ठीक है, बहुत ही एग्रेसिव ट्रैक्शन आपको देने वाला है, ठीक है। इसका जो सोल मटेरियल है, जो उसका सोल प्लेट है, जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही एग्रेसिव है, ठीक है, बहुत ही अच्छा आपको ग्रिप भी देने वाला है ग्राउंड में, ठीक है, आपको ग्रिप देगा, आपको स्पीडी, अगर आप स्पीडी प्लेयर चाहते हैं बनना, या फिर ग्राउंड में अगर आप अपना स्पीड को चाहते हैं दिखाना, तो आपको ये अच्छा खासा हेल्प करेगा। ये आपको परफेक्ट फिटिंग और लॉकडाउन देने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये जो फुटबॉल शू है इसका जो अपर मटेरियल है, ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी से बना हुआ है, तो आपको ये परफेक्ट लॉकडाउन देने वाला है। और इसका सोल प्लेट जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल भी है, तो फ्लेक्सिबल के हिसाब से ये आपको अच्छा एक एक्सीलरेशन टर्निंग्स में, ठीक है, स्पीड दिखाने में, अगर आप विंगर हैं, अगर आप स्ट्राइकर हैं, ठीक है, अगर आपके पास अच्छा खासा स्पीड है, तो आपके लिए ये फुटबॉल शू बना हुआ है। बात करें प्राइसिंग की, तो ये फुटबॉल शू आपको 4500 के आसपास पड़ जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि आप नेक्स्ट जो भी अपडेट आने वाला है मिस ना करें, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक कर दें, ठीक है। और अगर आप कोई भी फुटबॉल शू इसमें से बाय कर रहे हैं, जो जितने ही मैंने बताया, ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं, ठीक है, मुझे भी हेल्प होगा कि मुझे भी पता चलेगा कि आप खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, मुझे भी समझ में आएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। ज़रूर कमेंट करें, कुछ भी कमेंट करें, अगर आपको अच्छा लगा ज़रूर कमेंट करें, ख़राब लगा तो भी कमेंट करें, मुझे उससे लर्निंग मिलेगा, ठीक है, कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही कॉन्टेंट्स लाता रहूँ, तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किससे बनाऊँ, ताकि आप लोग को भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।